ओम सभी दर्शकों को हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण राधे राधे। आपको जानते हैं आप हमारे चैनल से और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और तो हमारा अभियान जो आरोग्यम का है, पूरे देश को, मनुष्य समाज को आरोग्य में रखना है, उसी के चलते हमने बहुत सारे वीडियो आपको दिए हुए हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उसमें ही आज एक कड़ी में ये वीडियो दूसरा हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये अल्सर है, जो बड़ी हाथों में, मलाशय में ज्यादातर ये आक्रमण करती है, तो अल्सर का जो रोग है उसको एलोपैथी में अधिकतर खत्म नहीं होता है। अल्सर के जो मरीज हैं वो लगभग 10-15 साल में उनकी शारीरिक हानि हो जाती है या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऑपरेशन तक भी हो जाता है, उनकी आंतें भी काट दी जाती हैं। तो उसके लिए भी हमने, अगर कोई हमें शुरुआत में मिल जाए, अल्सर की रिपोर्ट आई है, उसके बाद हम लोग जुड़ जाएं उससे, तो वो ठीक हो सकता है। अल्सर के लिए बहुत तो ज़्यादा लाभकारी होता है लौकी का सेवन। लौकी मतलब इसको महाराष्ट्र में, दक्षिण में भोपला भी कहते हैं। इसका सेवन करने से आप बहुत ज़्यादा अल्सर में लाभ प्राप्त करते हैं। कच्चा लौकी खाएं, कच्चा रस पिएं लौकी का, और लौकी के साथ में सुबह जब रस बनाएं तो आप उसमें तुलसी के और पीपल के पत्ते डालें, दो दो पीपल के पत्ते, पीपल का पत्ता बड़ा है तो दो पत्ते, तुलसी के छोटे 5 पत्ते, और उसमें थोड़ी सी 1-2 ग्राम मात्रा में दालचीनी, और आप उसको लें। उसमें और भी अच्छा करने के लिए एलोवेरा को मिला सकते हैं आप। अगर वो रस अपन लेते हैं सुबह 9 बजे, चाय कॉफ़ी नाश्ता और भोजन दोपहर का बंद रखते हैं, दोपहर को हम सब्जियां काट के कच्ची खाते हैं, फल खाते हैं, शाम को भोजन लेते हैं बिना छुका हुआ, गरम मसाले बिना, तो अल्सर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में अल्सर आपका ठीक हो सकता है। अब इसमें औषधि की ज़रूरत ही नहीं आपको, क्योंकि हम जो आपको दे रहे हैं ये औषधि है, इन्हीं चीज़ों से आयुर्वेद की औषधियों का निर्माण होता है। तो अल्सर के ऊपर जो विशेष इलाज है वो आपकी जो मेडिसन्स है जो चल रही है वो आप लें, उसके साथ में अगर आप इस रस का प्रयोग करते हैं, फलों का, और हमने जो आपको अभी बताया है लौकी का रस, लौकी के रस में तुलसी के पत्ते 5, पीपल के पत्ते 2 अगर आप डाल करके लेते हैं, थोड़ा सा एलोवेरा, तो फिर आपको अल्सर में बहुत जल्दी निजात प्राप्त होता है। कभी कभी अल्सर इतना बिगड़ जाता है कि पूरे शरीर में छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, 20-40 बार शौच जाना पड़ता है, हर बार खून आता है, आदमी बहुत परेशान रहता है। तो उनको इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है, अगर वो इन्फेक्शन को थोड़ा सहन कर लें और ये रस लेना शुरू कर दें तो धीरे 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 सब उनका इन्फेक्शन चला जाएगा और पूरी बॉडी कवर हो जाएगी, क्योंकि केमिकल बिगड़ने से ही ये अल्सर आदि रोग आते हैं। आप कुछ भी अचार, तला, बासा, तिवासा खाते रहते हैं, नमकीन, बिस्किट, इन चीज़ों से ये सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं धीरे धीरे, क्योंकि किसी की बॉडी जो है एक्सेप्ट करती है इन चीज़ों को, किसी की नहीं करती, तो वो उसके रिजल्ट गलत होते हैं। तो हम अनुरोध करेंगे कि जो अल्सर के मरीज हैं वो भी अपनी औषधियों के साथ इस रस को अवश्य लें, तो आपको अल्सर में बहुत जल्दी लाभ होगा। और आपकी हमसे आके मिल लें, हम भी आपके साथ जुड़ेंगे, आप मिलें। तो बहुत ज़्यादा अल्सर बिगड़ा है उसके लिए भी, पर उस मरीज को बहुत पीड़ा होती है, इसीलिए हम लोग उसको धैर्य और संतोष दे नहीं पाते, इसीलिए वो परेशान होकर एलोपैथी और ऑपरेशन की तरफ भागता है, क्योंकि बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, 40 बार शौच जाना, उसमें बार बार रक्त आना, जलन होना, इसलिए उन्हें डॉक्टर की और ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ जाती है मजबूरन। तो अगर आप धैर्य और संतोष रखते हैं तो ये जो रस है, लौकी का रस, जो पत्तियाँ बताई हैं वो मिला के आप सुबह लेते हैं और दोपहर के 8 घंटे व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कच्चा भोजन, सलाद और फल खाते हैं, तो आप बहुत जल्दी अल्सर के रोग से भी आप मुक्त होंगे, और आपको सहयोग करते हैं हम, और अवश्य आशा करते हैं कि आप ये रस लेंगे आपकी औषधियों के साथ, ऑपरेशन हो गया तो भी लें, ये रस आपको बहुत जल्दी अच्छा करेगा, जरूर आप इस रस को लें। बहुत बहुत धन्यवाद।